औद्योगिक क्षेत्र के करीब 5 गांव के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल सरकार ने किसानों की जमीन लॉजिस्टिक पार्क के लिए अधिग्रहित कर ली है और किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी उपजाऊ और महंगी जमीन को महज 50 रुपए प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से खरीद रहे हैं, जबकि बाजार भाव 6 से 7 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फुट है। इन किसानों की कुल 125 हेक्टेयर भूमि का सरकार ने अधिग्रहण किया है। भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों की सहमति लेना जरूरी होता है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनसे किसी प्रकार की सहमति नहीं ली गई है। किसानों का कहना है कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें। हम ये चाहते हैं कि समस्त किसान जो देश भर के हैं, या सरकारें जिन्हें सुनाई देना बंद हो चुका है, वो यह बात ध्यान से सुन लें कि हम किसान हैं, किसी से भी भीख नहीं मांग रहे हैं। हमें अगर भूमिहीन किया जाएगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, और इस विरोध करने के लिए हमें किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे यहाँ पर अभी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए लगभग 100 हेक्टेयर ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें गांव जामोदी की लगभग 60 से 70 हेक्टेयर ज़मीन ले रहे हैं। गांव खेड़ा उसकी 23-24 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी जा रही है, एवं साथ ही साथ गांव सागोर जहां के किसानों की 3 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इतनी उपजाऊ भूमि हम बेचना ही नहीं चाहते। हमारी ज़मीन पर हमारा खेती किसानी करना चाह रहे हैं। हमें जमीन बेचने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। सरकार जो है एक तरफा कार्रवाई करके किसानों की जमीन छीनना चाहती है। हमारे लगभग 112 हेक्टेयर जमीन 3-4 गांव की मिलकर सरकार एक्वायर कर रही है, और सरकार ने किसी प्रकार की कोई सहमति किसान से नहीं ली है, ना किसी सरकारी अधिकारी ने किसान से संपर्क करा है, और कोड़ियों के दाम सरकार खरीदना चाहती है। हमारे क्षेत्र में 5 से 7 हजार रुपये स्क्वायर फीट के प्लाट बिकते हैं, जबकि हमारी ज़मीन 50 रुपये स्क्वायर फीट में सरकार एक्वायर करना चाहती है। इसमें हम किसानों की पूर्णतः सहमति है, एवं हम जमीन देना नहीं चाहते हैं। कोई सरकार का नाम नुमाइंदा हमारे यहाँ सहमति के लिए आया नहीं है, आज तक भी नहीं आया है, और पूरे मतलब कि तानाशाही करके सरकार किसानों से ज़मीन छीनना चाहती है। सरकार चाहे तो हम सब किसानों को गोली मार के हमारी जमीन ले सकती है। हम मरने के लिए तैयार है, हमारी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। कानून की जितनी भी प्रक्रिया इन्होंने करी है पूरी तरह फ्रॉड तरीके से करी है। कोई भी मतलब एक भी नियम का इन्होंने जो अधिग्रहण कानून है उसका पालन नहीं करा है। हाई कोर्ट में हमने जो केस करा था उसमें भी इन्होंने फ्रॉड करके हमारी रिट पिटीशन जो है लगी हुई थी, उसके बावजूद इन्होंने अवार्ड कर दिया है हमको। मतलब पूर्ण तरीके से ये हमको आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है सरकार।